यिहया सिनवार इज डेड। इज़राइल की एक खास बात है और वो खास बात ये है कि वो अपने दुश्मनों को भी पाताल से ढूंढ निकाल कर उनका खात्मा कर देता है। इज़राइल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। इज़राइल ने अपने ऊपर हुए हमले का जवाब इतना जोरदार दिया कि उसके दुश्मनों की रूह कांप जाएगी। दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि इज़राइल इतनी जल्दी इतना बड़ा कारनामा कर दिखाएगा। आखिर इज़राइल ने कौन सा कारनामा कर दिखाया? उसे बताने से पहले आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जर्मनी की सड़कों पर हजारों मुस्लिमों ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें, हजारों मुस्लिमों ने जर्मनी में इस्लामिक राज और शरिया कानून की मांग कर दी है। जर्मनी से पहले मुस्लिमों ने ब्रिटेन में शरिया कानून लागू करने की मांग कर दी है। हजारों मुसलमानों की भीड़ ने जर्मनी के हैम्बर्ग में जोर जोर से नारे भी लगाए। मजे की बात तो ये है कि इन सभी मुस्लिम शरणार्थियों को जर्मनी ने हंसते हंसते शरण और नागरिकता दी थी। जर्मनी एक बहुसंख्यक ईसाई वाला देश है जबकि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इन मुसलमानों में सबसे ज्यादा वो हैं जो अफ्रीकी और एशियाई देशों से शरण मांगने के लिए जर्मनी पहुंचे थे। हालांकि नागरिकता मिलते ही उनके तेवर बदल गए और अब मूल आबादी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इन मुस्लिम शरणार्थियों के हौसले तो देखिए, इनका कहना है कि हम जर्मनी को जीत लेंगे। रिपोर्ट के अनुसार यह प्रदर्शन मुस्लिम इंटरेक्टिव नामक एक समूह द्वारा आयोजित किया गया था। जर्मन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि मुस्लिम इंटरेक्टिव का संबंध हिज्ब उर तहरीर से है, जो यहूदियों की हत्या को बढ़ावा देने के लिए 2003 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इन सबके अलावा अभी कुछ समय पहले जर्मन सरकार ने इस्लामिक कट्टरता को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया था। अब भी कुछ हफ्ते पहले ही जर्मन सरकार ने इस इलाके की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हैम्बर्ग मस्जिद को बंद कर दिया था। ये मस्जिद नीली मस्जिद के रूप में पूरी दुनिया में चर्चित है। जर्मन पुलिस का कहना है कि इस मस्जिद को सिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, जो आतंकी संगठन हिजबुल्ला का समर्थन कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी की बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक में भी तीन बड़े मस्जिद पर छापे मारे हैं। इन तीनों मस्जिदों को भी बंद कर दिया गया है। जर्मन पुलिस का कहना है कि इन मस्जिदों में भी छापेमारी के दौरान कुछ ऐसा सामान मिला है जिससे ये पता चलता है कि ये मस्जिद भी आतंकी संगठनों का ठिकाना बन रही है। जर्मन मंत्रालय ने खुलासा किया है कि ये आईजीएच ईरान के सर्वोच्च नेता के प्यादे के रूप में काम करता था और जर्मनी में एक इस्लामी क्रांति लाना चाहता था जिससे जर्मनी में इस्लामिक शासन स्थापित हो सके। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि यह प्रतिबंध शिया धर्म के शांतिपूर्ण पालन पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर पर एजेंडा चलाने वाला जर्मनी भी अब भयंकर कट्टरता से जूझ रहा है। हाल ही में जर्मनी में इस्लाम को लेकर एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी। उस स्टडी में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जो आपको भी हैरान कर देंगे। इस स्टडी में बताया गया कि जर्मनी के स्कूलों में इस्लाम को बड़ी तेजी से स्वीकार करवाया जा रहा है। जर्मनी के स्कूलों में गैर मुस्लिम छात्र खुद को अब बाहरी महसूस करने लगे हैं। डेली मेल के एक रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के एक राज्य लोअर सक्सेनी में क्रिमिनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया। इस सर्वे में करीब 67.8% लोगों का मानना था कि कुरान जर्मनी के कानूनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी सर्वे में करीब 45% लोगों का मानना है कि इस्लामिक धर्मतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप है। जर्मनी के बर्लिन जैसे शहरों के स्कूलों में मुस्लिम बच्चों की संख्या 80% से भी ज्यादा हो गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 8 सालों में जर्मनी में बहुत ज्यादा शरणार्थी आ चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इज़राइल ने ऐसा क्या किया कि दुनिया हिल गया। तो आपको बता दें कि इज़राइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक दुश्मन सिनवार को मार गिराया। अब स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उस तस्वीर में औरतों जैसे कपड़े पहने धूल भरे सोफे पर एक शख्स दिखाई दे रहा होगा। असल में ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इस्माइल हानिया की गद्दी संभालने वाला हमास प्रमुख याहिया सिनवार है।
ये वही सिनवार है जो हमास के लिए कभी शान माना जाता था। नफरत की आग में ये शख्स सारी हदें पार कर चुका था। इसराइल के लोगों के लिए खड़ा ये शैतान गाजा के लोगों के लिए कभी सबसे बड़ा रहनुमा था। आपको बता दें कि अब ये शैतान मारा जा चुका है, मगर यहाँ सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसे मारने के लिए इजरायली सेना ने न तो मोसाद का सहारा लिया और न ही कमांडो का। इतना ही नहीं, बल्कि इसे मारने के लिए इजरायली सेना ने किसी भी तरह की न तो कोई खुफिया जानकारी ली और न कोई तैयारी की, बल्कि 9 महीने पहले आए आईडीएफ के एक जवान ने इसे मार गिराया, जिसकी अब तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर में सिनवार बहुत भयंकर नजर आ रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि इसराइल का बदला कितना भयानक था। मलबे के बीच धंसा हुआ सिनवार का 100 मिला। 100 के करीब मौजूद इसराइल के सैनिक याहिया सिनवार की तस्वीर अपने फोन में कैप्चर कर रहे थे। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने न सिर्फ दुनिया को बताया बल्कि इसके मारे जाने का सबूत भी दिया। इसराइल को अब तक जिसने भी आंख दिखाया उन सबको उसने खत्म किया है। इसराइल ने कसम खाई है कि वो अपने हर एक दुश्मन को खत्म कर देगा। इसराइल पर हुए प्रत्येक आतंकी हमले का जवाब जरूर देगा। इसराइल ये तय कर चुका है कि वो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो पाताल में ही जाकर छिप जाएं। बता दें, याहिया सिनवार इसी साल ईरान में मारे गए इस्माइल हानिया के मौत के बाद हमास का चीफ बना था। इसी साल 31 जुलाई को इस्माइल हानिया को भी इसराइल ने मार गिराया था। याहिया सिनवार कई और नामों से भी जाना जाता है। याहिया सिनवार ने जिस तरह कई जगहों पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया था, तो वहीं इसराइल उसे आतंक का हिटलर कहता है। वो इतना क्रूर था कि हमास से गद्दारी और इसराइल से वफादारी के शक में कई फिलिस्तीनियों को भी तड़पाकर मारता रहा है। वो बच्चों के साथ खुलेआम बंदूकों की नुमाइश करता रहा है। वो मासूमियत में आतंक का जहर घोलता था। उसके बहकावे में आकर ना जाने कितने फिलिस्तीनियों ने बंदूक उठाया और वो सबको इसराइल में मरने तक को छोड़ दिया। हालांकि इसराइल ने अब अपने ऊपर हुए आतंकी हमले का जवाब ठीक से दे दिया है। आतंकी याहिया सिनवार अब मारा जा चुका है और इसराइल इसकी तस्वीर पूरी दुनिया को एक नुमाइश के तौर पर दिखा रहा है और बता रहा है कि आतंक और उसके दुश्मनों का अंजाम क्या होगा। इस वीडियो को देखने के बाद कोई शक नहीं है कि आतंकियों की रूह ना कांपी हो।